एक 12 साल लड़का पुलिस थाने में जाकर यह कहता है कि सर मैंने सरपंच की बेटी का कत्ल कर दिया है और मैंने सरपंच की बेटी को 4 गोली मारी है, लेकिन पुलिस वाले उस पर यकीन करने के बजाय हंसने लगते हैं क्योंकि उस लड़के की उम्र महज 12 साल की थी और छोटा सा अधमरा सा दिखने वाला लड़का यह कत्ल कैसे कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं। दरअसल यह दोस्तों घटना हरियाणा राज्य के एक छोटे से कस्बे की है जिसका नाम उचाना होता है और उचाना में एक रामवीर के पास 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम था श्याम सिंह जिसकी उम्र महज 12 साल थी और उसके पास एक लड़की थी जिसका नाम सुनीता होता है जिसकी उम्र कम से कम 16 साल के आसपास है। श्याम सिंह अभी 7वीं कक्षा में पढ़ता था और उसकी बहन सुनीता 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और दोस्तों उसकी स्कूल की दूरी उसके घर से मात्र 1 किलोमीटर की थी। हर रोज दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और स्कूल से 2 बजे के आसपास हर रोज छुट्टी हो जाया करती थी। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करके दोनों बच्चे अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। श्याम सिंह का पिता एक रिटायर आर्मी ऑफिसर होता है और आजकल वो अपने खेत में काम काज करता है, यानी वो खेती बाड़ी का काम करता था। जैसे ही अगली सुबह श्याम सिंह और सुनीता दोनों भाई बहन स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से श्याम सिंह के पेट में दर्द हो जाता है और वह अपने पिता राम सिंह को कहता है कि पिताजी आज मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस तरह सुनीता अकेली स्कूल के लिए निकल पड़ती है और वह अपने स्कूल में चली जाती है। इसी तरह तकरीबन 2 बजे के आसपास सुनीता की छुट्टी होती है और सुनीता अपने स्कूल से घर के लिए निकलती है तो थोड़ी दूरी पर उसका स्कूल होता है। इसी वजह से सुनीता स्कूल से घर पैदल आती थी और घर से स्कूल के लिए पैदल ही जाया करती थी, लेकिन उसको आज यह नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सुनीता आधा सफर तय कर लेती है तो पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आती है और वह पीछे मुड़कर देखती है कि गांव के सरपंच का ज्ञान सिंह का लड़का सोनू अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है और उसको आवाज़ लगा रहा था, कह रहा था कि सुनीता तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम बाइक पर बैठ जाओ। इस तरह सुनीता उसके पास जाती है और थोड़ा सा जाकर सोचकर उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है। जैसे ही सुनीता सोनू की मोटरसाइकिल पर बैठती है तो थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद एक छोटा सा जंगल आता है और उस जंगल को देखकर सोनू अपनी बाइक का रुख जंगल की तरफ मोड़ लेता है। इस तरह से वह छोटे से जंगल के बीच पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू सुनीता को लेकर जंगल के बीच में पहुंचता है तभी वो अचानक से अपनी मोटरसाइकिल को रोक लेता है और अपनी पिस्टल निकालकर सुनीता की कनपट्टी पर रख देता है और उसको कहता है कि तुम सारे कपड़े उतार दो। इसी तरह से डरी हुई सुनीता अपने सारे कपड़े धीरे धीरे उतारने लगती है। इस तरह से सोनू सुनीता को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करने लगता है और 2 घंटे तक उसका यौन शोषण करने के बाद उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से यौन शोषण संबंध बनाता है। लगभग 2 घंटे तक सोनू सुनीता के साथ ऐसे ही करता रहता है। जब उसका जी भर जाता है तो वो सुनीता को छोड़कर चला आता है और दूसरी तरफ सुनीता के माता पिता उसको ढूंढने लगते हैं क्योंकि दोस्तों लगभग 4:30 बजे का समय हो चुका था और रामवीर सिंह कई जगहों पर जाता है और सुनीता की तलाश करता है। सुनीता उसको नहीं मिलती है। लगभग शाम को 6 बजे का समय हो चुका होता है और सुनीता धीरे धीरे कदमों से चलकर अपने घर तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है अपने माता पिता रामवीर सिंह को सारी घटना सुना देती है। सारी घटना को 12 साल का लड़का श्याम सिंह भी सुनकर हैरान हो जाता है। इस सारी घटना को 12 साल का लड़का श्याम सिंह भी सुन रहा होता है और ये सारी घटना श्याम सिंह के मन में चुभ जाती है जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इस तरह से धीरे धीरे रात का समय हो जाता है और जैसे ही सुबह होती है राम सिंह पंचायत मेंबर के पास जाता है और सारी घटनाओं को बताने लगता है। इस तरह से 10 बजे के आसपास पंचायत बैठाई जाती है और वहां पर ज्ञान सिंह के लड़के सोनू को भी बुलाया जाता है। इस तरह से पूरी पंचायत दोनों पक्षों में बातें ध्यान से सुनी जाती हैं
सुनीता का भी पक्ष रखा जाता है, लेकिन सोनू झूठ बोलता है और पूरी पंचायत को कहता है मैं यहाँ पर कल था ही नहीं। तो सोनू भरी पंचायत बोलता है कि मैं कल यहाँ था ही नहीं, मैं किसी काम से बाहर गया था। इस तरह से पूरी पंचायत सोनू के पक्ष ले लेती है, क्योंकि सोनू एक बिगड़े और सरपंच का लड़का था। इस तरह से पूरी पंचायत में ज्ञान सिंह के फेवर में ही बात करती है, यानी कि सोनू के पक्ष में ही हो जाती है। और जैसे ही पंचायत एक नतीजे पर पहुंच जाती है तो उसका नतीजा यह निकलता है कि सोनू वहां पर बोल रहा है और सुनीता झूठ का आरोप लगा रही है। अगर पंचायत सोनू के पक्ष में चली जाती है और सोनू का पक्ष लेते हुए पंचायत को वहीं पर बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन राम सिंह वहां पर ठहरने वाला नहीं था। जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाकर ज्ञान सिंह इस पूरे घटनाक्रम को सुनाता है तो वहां के दरोगा होते हैं, तो वो भी सरपंच सिंह के बेटे सोनू का ही पक्ष लेते हैं। जबकि इस बात पर पंचायत बिठाई गई तो पंचायत ने भी जो फैसला लिया वही फैसला और सटीक राम सिंह दरोगा बाबू की बात सुनकर अपने घर लौट आता है। जैसे ही राम सिंह घर लौट आता है तो उसका लड़का श्याम सिंह पूछता है कि पिताजी वहां पर पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। इस तरह से राम सिंह अपने बेटे को कहते हैं कि वहां पर जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनकी ही चलती है, गरीब लोगों की पुकार को कोई नहीं सुनता। इस बात को श्याम सिंह के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। और जैसे ही अगली सुबह होती है दोनों बच्चे फिर से स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और श्याम सिंह एक कमरे में जाता है, वहां पर देखता है कि उसके पिता की वहां पर एक पिस्टल है और पास में ही उसकी गोलियां भी हैं। इसी तरह से श्याम सिंह उस पिस्तौल को उठा लेता है और उसमें गोलियां भी डाल लेता है और उनको डालकर अपने बैग में रख लेता है। जैसे ही दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो बीच रास्ते में जाकर श्याम सिंह अपनी बहन सुनीता को कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम स्कूल अकेली चली जाओ। और इस तरह से सुनीता स्कूल चली जाती है, लेकिन श्याम सिंह अपने घर वापस नहीं लौटता है। वह पूरे गांव में सोनू की तलाश करता है। जैसे वो लड़का अपने चाचा बहादुर को पूछता है कि तुमने सोनू को कहीं देखा है, तो उसके चाचा बहादुर सिंह श्याम सिंह को बताते हैं कि सोनू नहर पर गया हुआ है। इस तरह से श्याम सिंह नहर पर पहुंचता है और वहां पर देखता है कि सोनू नशे में यानी कि शराब के नशे में धुत है। इस तरह से श्याम सिंह सोनू के पास चला जाता है और सोनू से बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है। जैसे ही वह नदी किनारे पर लेट जाता है उसी टाइम श्याम सिंह अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल निकालता है और उसको चार गोलियां मार देता है। चार गोलियां मारने के बाद वह पुलिस स्टेशन में जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर दरोगा बाबू से कहता है कि मैंने ज्ञान सिंह के सोनू को चार गोलियां मार दी हैं। इस तरह से पुलिस वाले उस पर हंसने लगते हैं, पर कोई यकीन नहीं करता। इस घटना को अभी 20 मिनट का समय हुआ है और दबंग सरपंच सिंह जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं वहां पर देखते हैं कि 12 साल लड़का जो कि श्याम सिंह पहले से ही आकर पुलिस थाने में बैठा हुआ है और पुलिस वालों को उसने सारे बयान भी दे दिए हैं, लेकिन पुलिस वाले उस पर हंस रहे थे और उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन ज्ञान सिंह जैसे ही सारी घटना सुनाता है तो पुलिस के पैरों से जमीन खिसक जाती है और उसी टाइम श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह से पुलिस जब श्याम सिंह को यह पूछती है कि तुमने सोनू को क्यों मारा, तभी 12 साल का लड़का श्याम सिंह जवाब देते हुए कहता है कि आपको सारी घटना पता है तो आप मुझसे क्यों पूछते हैं। इस तरह से वहां पर जो भी पुलिस प्रशासन होता है वो शर्मिंदा हो जाता है। जब पुलिस श्याम सिंह को जज के सामने पेश करती है तो जज भी यह पूछता है कि इस हत्याकांड की वजह क्या है। जैसे ही पूरी सच्चाई जज के सामने आती है तो जज की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं और इस तरह से श्याम सिंह को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। श्याम सिंह को बाल सुधार गृह में रहने की इजाज़त दी जाती है। दूसरी तरफ सुनीता अभी उस घटना के सदमे में बाहर नहीं निकल पाई, उसको निकलने में समय लगेगा। अगर पंचायत उसी समय सही निर्णय ले लिया होता तो आज यह घटना नहीं होती। दोस्तों, इस घटना को सुनाना मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको सिर्फ सतर्क और सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।